रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन में हम HCF को लॉन्ग डिवीजन मेथड से मालूम करना सीखेंगे। तो 24 और 64 का HCF हमने मालूम करना है। तो हम डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से बड़े नंबर को। तो हमने 64 को ब्रैकेट के अंदर रखा और हम इसको 24 से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास रिमाइंडर, फर्स्ट रिमाइंडर जो है वो 16 है। अब हम 16 से 24 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर। अब हम 16 को अंदर रखेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 8 फैक्टर, जो कि 0 है, जिसमें कोई रिमाइंडर नहीं है। तो इन दोनों का लास्ट डिवाइज़र जो है वो HCF होता है। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह ऐब अपने देखो और उसे दूर करने की फ़िक्र करो, अच्छाइयाँ दूसरों की देखो और उसे अपने अंदर पैदा करने की फ़िक्र करो। हज़रत अली का फरमान है कि हर इंसान की इज्जत और उससे मोहब्बत करो, क्योंकि हर इंसान में खुदा की कोई ना कोई सिफत मौजूद होती है। तो अपने ऐबों पर नज़र रखनी चाहिए और दूसरों के की अच्छाइयों पर। एक और हज़रत अली का कौल है कि इखलाक वो चीज़ है जिसकी कीमत कुछ भी नहीं देनी पड़ती, मगर उससे हर इंसान ख़रीदा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, अपने इखलाक को अच्छा बनाओ और लोगों में आसानियां बांटो। हम में से ज़िंदा वही रहेगा जो दिलों में ज़िंदा रहेगा, और दिलों में ज़िंदा वही रहते हैं जो आसानियां बांटते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा हमारी मोहब्बत का हकदार अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला से हम तभी मोहब्बत कर सकते हैं, उसकी भेजी हुई किताब को पढ़ें, उसकी हदायत को मजबूती से थाम लें। तो आपको उर्दू पढ़नी आती है तो कुरान मजीद को खुद तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करें, ताकि पता चले कि अल्लाह ताला हमारे से क्या फरमा रहे हैं। तो अब हम दो नंबरों की HCF मालूम करना सीखा था। अब हम अगर हमारे पास तीन नंबर हों तो उसमें हम किस तरह से HCF मालूम करेंगे। तो जैसे 20, 48 और 70 हैं, तो तीन नंबर में से कोई से भी दो नंबर ले लें। चले हम 20 और 48 लेते हैं, उनको उसी तरीके से डिवाइड करेंगे। तो 20 को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 8 रिमाइंडर आया। अब हम 8 से 20 को डिवाइड करेंगे फर्स्ट रिमाइंडर से, और फिर सेकंड रिमाइंडर हमारे पास 4 आया तो हम 8 को डिवाइड करेंगे 4 से। तो हमारे पास HCF आ गया 4, दो नंबरों का। अब इस HCF को हम जो है इसको डिवाइड करेंगे 70 को डिवाइडेड बाय 4। तो जब हमने किया तो हमारे पास 2 रिमाइंडर बचा, और अब हम 4 को डिवाइड करेंगे बाय 2 तो हमारे पास देर इज़ 0 रिमाइंडर। तो इसका मतलब है कि 2 इज़ द HCF। और क्योंकि हमने पहले दो नंबरों का किया था, तो अब हम जो आंसर लिखेंगे HCF 20, 48 और 70, ये तीनों नंबरों का HCF है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको लॉन्ग डिवीजन का मेथड समझ आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।